हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी, आप सभी मेरे साथ हैं। इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी, यूपीएससी नंबर वन क्लास है अपनी, एकदम झकास रापचेक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दिया था यार, और आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने पूरा प्रोग्राम जो है, आप कह रहे थे काफ़ी दिनों से, तो हम सोचे कि भाई ये स्टार्ट कर देते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट। सो फिजिकल ज्योग्राफी हमने स्टार्ट कर दिया है, तो बहुत ही बेसिक काम जो है वो हम कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हैं कर रहे हैं हम। लास्ट क्लास यानी कि प्रीवियस क्लास, कल की क्लास की अगर मैं बात करता हूं, तो हमने कल लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था कि अक्षांश जो हैं वो क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं होती हैं। कल हमने बात की थी इक्वेटर कहां से पास होता है, जीरो डिग्री कहां से पास होती है, साथ साथ मैंने बात किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सारी की सारी जो लाइनें हैं ये कहां से पास होती थी, सबकी सब मैंने बताई थी। सो सभी का मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। यार एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी, प्लीज यार सेशन को लाइक करना है आपको, सेशन को शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका फायदा उठा पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये जो क्लास है आपके माध्यम से पहुंच पाए, ठीक है। ये अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, ये चैनल आपका है, क्लास आपकी है, मैं भी आप ही के लिए काम कर रहा हूं। सो निशा शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, उसके बाद मैं बात करूं कयामत स्टूडियो, निशा शर्मा, गौरी मिश्रा, जेम्स जे, तेजस्वनी, हंसराम, गुंजन गुप्ता, हरिओम शर्मा, साहिल राज, धर्मेंद्र कुमार, मिस्टर निशांत, नीतीश कुमार, रमाकांत बेहरा, अंशु मिश्रा, माही, आलोक, सभी का यार मैं स्वागत करता हूँ। लेट्स क्रैक इट, एकदम शुरू करते हैं और क्रैक करते हैं इसको। तो सिंपल सिंपल चीज़ें अभी हम कर रहे हैं, तो कल जो होगा अपना एक शायद आज मैं स्टार्ट कर दूंगा उसको, टाइम कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद मैं मोशन ऑफ अर्थ पढ़ाऊंगा, तो धीरे धीरे करके ना आप लेवल जो है वो बढ़ेगा भी अपना, ठीक है। सो आज की जो क्लास है बेसिकली इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द लॉन्गिट्यूड्स। तो एक बार मैं पिछला जो है वो आपको बताना चाहूंगा, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड बैक में जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो आज की जो क्लास है इट्स अबाउट द बेसिक ज्योग्राफी, कल हमने लैटिट्यूड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूड। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ व्हाट एक्जैक्टली दिस सुमित 10, ये सुमित 10 क्या है। सो बता दूं मैं आपको दोस्तों, यार अनअकैडमी जो है, वाईफाई की जो टीम है वो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर है। हम आपको दो माध्यम से क्लास जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसके माध्यम से, आपका यूट्यूब, और दूसरा जो है वो हम अनअकैडमी प्लस के माध्यम से। सो अनअकैडमी प्लस पर पूरी की पूरी वाईफाई की टीम तो है ही है, साथ साथ में अगर हम बात करें तो देश के जो टॉप एजुकेटर हैं वो भी यहां पर लाइव क्लास ले रहे हैं, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पर। मेरा 13 जनवरी से आपका प्लस कोर्स जो है वो आने वाला है, तो इस प्लस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, और इस प्लस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप कोड जो यूज करोगे दैट इज सुमित 10। देखो यार अनअकैडमी ना सॉरी यूपीएससी के एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं, सो यूपीएससी के एग्जाम में जो करंट अफेयर है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुख्य जो काम होता है वो करंट अफेयर का होता है। करंट अफेयर पर ही आपका पूरा का पूरा एग्जाम जो है 60% वो बेस्ड होता है। सो इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं एक जबरदस्त कोर्स लेके आया हूं आपका करंट अफेयर का। 13 जनवरी से हर महीने ये कोर्स हमारा आता है, और यहां पर मैं एमसीक्यू और डिफरेंट सोर्सेज जो है आपके कवर करूंगा, पूरा करंट अफेयर हम कवर करेंगे। सो इसके लिए आप कोड यूज कर सकते हो क्या, सुमित 10, याद रखना 13 जनवरी से कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज सुमित 10 कोड एंड यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। जैसे आप यूज करोगे आपको 10% की इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगी। एक बार मेरा आपसे रिक्वेस्ट है यार दोस्तों कि सभी लोग जो है क्लास को शेयर कर देंगे, लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था जल्दी से मैं उसको एक बार स्टार्ट करता हूं, रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने बात की थी यार ज्योग्राफी, ठीक है। सो ज्योग्राफी में हमने पहली बात की थी जियोग्राफी, ग्राफी। देखो जब भी हम किसी चीज की स्टडी करते हैं तो सबसे पहली हमें जरूरत पड़ती है किसकी, शेप की। सो सबसे पहला हमने देखा शेप, तो पृथ्वी की जो शेप थी वो कैसी थी आपका सर, जियोइड थी, है ना। हिंदी में क्या लिखते थे, हिंदी में हम ऐसे लिखते थे जियोइड। अब आपने पूछा कि सर ठीक है जियोइड तो है, बट हमने जियोइड देखा नहीं है, तो मैंने आपको कल जियोइड दिखा दिया था। जियोइड इज लाइक दिस, कुछ इस प्रकार से जियोइड जो था वो था, ठीक है, हमने बताया था दिस इज जियोइड। अब मैंने क्या बताया था कि देखो जियोइड जो है किसी भी चीज की जब हम स्टडी करते हैं फॉर द स्टडी पर्पस वी हैव टू फिक्स सम काइंड ऑफ पैरामीटर, है ना। ये बात आपको शायद पता है क्योंकि मैंने आपको कल डिस्कस आपके साथ ये की है। देखो ज्योग्राफी में जो ग्राफी का मतलब होता है, यार थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, जूम ज्यादा है, वो भी बोर्ड बहुत छोटा आ रहा है, थोड़ा और बस।
तो ज्योग्राफी जो है इसमें अगर मैं सेकंड यहां पर वर्ड बात करूं तो यहां पर क्या है, देखो जियो, जियो का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड विद अर्थ, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो कोई भी चीज की जब आप स्टडी करते हो तो उसके लिए आपको हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, भूगोल, भू जमा में गोल। तो किसी भी चीज का, भू का मतलब होता है भू, धरा, धरती, पृथ्वी, और गोल का मतलब क्या है आपका, अध्ययन। तो किसी भी चीज का जब अध्ययन करते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, फॉर द स्टडी पर्पज वी रिक्वायर्ड सर्टेन काइंड ऑफ पैरामीटर। हम अध्ययन करेंगे, हमें चाहिएगा परिमाण, और परिमाण जब पैरामीटर पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, शेप की। शेप मतलब आकृति। तो सबसे पहले हम आते हैं आकृति पर। तो पृथ्वी की आकृति कैसी है आपका, जियोइड, ये रहा जियोइड। के बाद में वी आर गोइंग टू फिक्स सर्टेन काइंड ऑफ पैरामीटर, हम पैरामीटर फिक्स करेंगे। पैरामीटर देखो इसमें कैसे फिक्स करेंगे भाई, अगर ये मेरा रूम है, मैं मान लेता हूं, कल मैंने आपको बताया भी था ये कमरा है, इसकी स्टडी करनी है, तो इस रूम में, इस रूम की चौड़ाई तो ये होगी, है ना, दिस इज द चौड़ाई ऑफ द रूम, है ना। पर लेकिन दिक्कत क्या है ना, रूम जो है वो अलग अलग जगह से उसकी चौड़ाई अलग अलग है, तो मैंने क्या किया, पूरे ही रूम को थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस, एक इक्वल डिस्टेंस लेकर मैंने पूरे रूम को क्या कर लिया, देखो ऐसे मेजर कर लिया, ठीक है, पूरे रूम को मैंने मेजर कर लिया, कुछ ऐसी लाइनें आ गई। सिमिलरली जैसे मैंने यहां पर ये लाइन खींची है, ऐसे ही मैं वर्टिकल, ये चौड़ाई थी, तो लंबाई में बात करूं रूम की तो ये होगी, तो ये लंबाई है, तो जैसे चौड़ाई हमने खींची ऐसे ही हम लंबाई यहां पर क्या करेंगे, खींचेंगे। सो कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी, ठीक है। सो लैटिट्यूड एज वेल एज ये सेकंड क्या हो गया हमारे पास, ये दो प्रकार की लाइनें हमने खींची। तो एक तो लाइन जो थी हमारे पास वो कौन सी है, आपकी रेड लाइन, और जो रेड लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, आपका लैटिट्यूड, याद रखना, कल बताया था मैंने आपको। और जो मैं यहां पर ब्लू लाइन आपके लिए खींच रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे आपका, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज लॉन्गिट्यूड। एक का नाम होगा अक्षांश रेखा, और दूसरी जो है इसका नाम क्या है दोस्तों, दिस इज नोन एज देशांतर। दो रेखाएं हैं हमारे पास, अक्षांश और देशांतर। अब कल मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था, देखो किस प्रकार से हमें इनको पढ़ना है, ठीक है। देखिए कल हमने डिस्कस किया था, देखो अब इतने सारे लैटिट्यूड है, सारे के सारे तो पढ़ेंगे नहीं, तो ऑब्वियस बात है सारे नहीं पढ़ने होते, तो बहुत सारे देखो रेड लाइन है, ये तो मैंने अर्थ को छोटा सा बनाया। अगर मैं वास्तव में अर्थ को पूरा बड़े साइज कर लूँ और फिर मैं लाइनें खींचूँ, सोच के देखो कितनी लाइनें खींचेंगी, बहुत ज़्यादा लाइनें बन जाएंगी। सो इतना पढ़ना जो है अपने लिए क्या है, लगभग असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, इन सारी लाइनों में से कुछ लाइनें जो हैं वो फिक्स करते हैं। अब वो कौन सी कुछ लाइनें होंगी जो फिक्स करनी है वो मैं बता देता हूँ। तो कुछ मैं यहाँ से लैटिट्यूडनल लाइन यहाँ पर फिक्स करूँगा आपका, ठीक है, ध्यान से देखना मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ मैं यहाँ से लैटिट्यूडनल लाइन जो है वो आपकी यहाँ पर फिक्स करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ अक्षांश रेखाएं मैं यहां पर फिक्स करूंगा, ड्रॉ करूंगा। कल मैंने आपको बताया भी था कौन कौन सी लाइनें हम ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले जो हम देखते हैं वो हम ऐसी लाइन खींचेंगे जो पूरी ही पृथ्वी को क्या करेगी, डिवाइड्स द होल अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट। नाम क्या दिया था, 0 डिग्री, इक्वेटर, याद है। इसके बाद एक लाइन खींची थी हमने यहां पर 23 हाफ नॉर्थ, इसके बाद यहां खींची थी 23 हाफ साउथ, ये था हमारे पास 66 हाफ नॉर्थ, और ये क्या था, 66 हाफ साउथ। एक हाईएस्ट पॉइंट ये था और एक ये था आपका, तो ये हमने कल आपको बताया भी था अपनी क्लास के अंदर। सो इसका नाम क्या रहेगा, 90 डिग्री नॉर्थ, इसका क्या था, 90 डिग्री साउथ, ये क्या था आपका, 66.5 डिग्री साउथ, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड दिस इज 66.5 डिग्री नॉर्थ। कल बताया था मैंने कैसा क्यों रख किया है मैंने, क्योंकि हमने ना इनका एंगल चेक किया है। अगर मैं ये एंगल चेक करता हूँ, ये 90 डिग्री है, ये जो एंगल चेक करता हूँ ये कितना है, 66, ये जो एंगल चेक करता हूँ ये कितना है, 23.5। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं आपका, लैटिट्यूड। सबका अलग अलग नाम था। 0 डिग्री ऊपर बात करोगे आपका तो ये क्या था आपका, NH मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर, और यहां बात करेंगे तो ये है SH यानी कि साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। सबके अलग अलग नाम भी यहां पर रखे गए हैं दोस्तों, ठीक है। 0 डिग्री जो था इसका हमने नाम क्या रखा था, इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा। इसका नाम क्या रखा था आपको पता है, इसका नाम जो रखा था वो था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसका था आपका क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा हिंदी में। इसको हमने क्या नाम दिया था, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। ये जो था ऊपर, सबसे ऊपर, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज द नॉर्थ पोल। साउथ में जो है आपका, दिस इज नोन एज साउथ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और इसका नाम क्या था आपका, दिस इज नोन एज एंटार्क्टिका सर्किल, एंटार्क्टिका वृत्त। ये अपना पूरा का पूरा हिसाब किताब था जो हमने कल यहां पर देखा था। सो दोस्तों दिस इज अबाउट द लैटिट्यूड, ये तो लैटिट्यूड के बारे में था। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, लॉन्गिट्यूड के बारे में।
ठीक है। चलिए तो अब मैं लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, कहाँ से लैटिट्यूड पास होता है, कैसे नहीं होता, और वो सब बातें हमने देखो यहाँ पर की थी। लैटिट्यूड क्या है भाई? एंगुलर डिस्टेंस है। मैंने बताया था कितना एंगल बनता है, जैसे ये था 0 डिग्री, तो जितना एंगुलर डिस्टेंस बनता था तो वो हमने यहाँ पर आपके सामने डिस्कस किया था। तो ये लैटिट्यूड देखा हमने, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इस प्रकार से एंगुलर डिस्टेंस अक्षांश क्या परिभाषा दी थी। ये मेन लैटिट्यूड जो अभी जस्ट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं सारे के सारे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका, तो कहाँ से आपका 0 डिग्री पास होती है, तो ये रहा 0 डिग्री कहाँ से पास होती है। उसके बाद मैंने बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है, कर्क रेखा, तो ये वो जगह है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। इसके बाद हमने बात की थी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो ये वो जगह है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा पास होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड हमने बात किया था कि इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो लाइन है वो एक एक डिग्री के डिफरेंस पर, जैसे ये 0 डिग्री थी ना दोस्तों, सो मैं ऊपर कैसे खींचूंगा, 1 डिग्री नॉर्थ, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे हम कहां तक जाते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ तक। और सिमिलरली हम साउथ में भी कहां जाते हैं, 90 डिग्री साउथ तक जाते हैं ना। अब 0 डिग्री छोटी वैल्यू है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लोअर वैल्यू यानी कि लोअर लैटिट्यूड। तो जब जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड, याद रखना हम निम्न अक्षांश से उच्च की तरफ जाते हैं। ऐसा मैंने बताया, अगर ये सारे लैटिट्यूड है तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने थे, 181। सामने से देखोगे तो लाइन दिखेगी, वास्तव में क्या होते थे, सर्कल, सामने से ऐसे पूरा सर्कल बनता था। सो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने थे, 181 माइनस 2 कितना क्यों किया मैंने आपका, क्योंकि मैंने घटाया था, 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ आर जस्ट पॉइंट एंड पॉइंट के नॉट मेक सर्कल, टोटल नंबर ऑफ लाइन भी इतनी थी, और जो ग्रेट सर्कल था हमारा वो क्या था आपका, 0 डिग्री। ये कल मैंने आपके साथ में यहां पर चर्चा की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था, आज हम जो बात करने वाले हैं टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैं बिल्कुल उसी स्लाइड पे आता हूं जहां से मैंने शुरू किया था। ये देखिए, अब मैं लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूं, पहले थोड़ा सा समझो यार, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, उसके बाद में अपनी जो पीपीटी है उसमें देखते हैं क्या क्या चीजें मैंने यहां पर ऐड की है आपके लिए, ठीक है। क्यों हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड खींचते हैं, बिकॉज हमें पृथ्वी को स्टडी करना है, फॉर दैट पर्पज वी रिक्वायर्ड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग हम क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ परिमाण चाहिए होते हैं, और उसी में क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें उसकी जरूरत पड़ती है ज्योग्राफी को पढ़ने में। चलो आज लॉन्गिट्यूड की बात करता हूं, तो लॉन्गिट्यूड कैसे होगा, अभी तो हमने देखा सर लॉन्गिट्यूड के लिए कुछ भी नहीं है, सिंपल आप एक बात मेरी याद रखोगे क्या, जिस प्रकार लैटिट्यूड हमने ड्रॉ किया था, सेम आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लॉन्गिट्यूड। इन द लॉन्गिट्यूड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखो जैसे लैटिट्यूड में किया था क्या, एक लाइन मैंने ऐसी खींची थी जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, यहां पर भी मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइन यहां पर ऐसी ही खींचूंगा, सेम जो स्टेप आपने पिछले में फॉलो किया था ना, सेम स्टेप आई एम गोइंग टू फॉलो हियर। तो मैं क्या कह रहा हूं आपका, देखो सपोज दिस इज अवर अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है हमारी, कुछ ज्यादा ही बेकार बन गई, ठीक है, सपोज दिस इज अर्थ, तो जो पिछले में किया था हमने क्या किया था, एक लाइन ऐसी खींचते हैं जो पूरी पृथ्वी को क्या करे, दो पार्ट में डिवाइड करे। देखो यहां पर भी मैंने खींच दी, दिस इज द लाइन विच डिवाइड्स द होल अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट, है ना। अब ये रेफरेंस है, तो इसको मैंने नाम क्या दे दिया आपका, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, क्या नाम दे दिया हमने इसको, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। देखो ध्यान से समझना, कोई भी चीज अगर गोल होती है भाई, कोई भी चीज मेरे पास गोल है, ठीक है, तो एक बात बताओ इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, सिंपल बताओ मुझे, 90 90 90 और 90 90 गुना 4 90 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना बनता है एंगल, बनता है सर 360 डिग्री। तो अगर मैं एक डिग्री का एक लैटिट्यूड खींचता हूं, 1 डिग्री 1 लॉन्गिट्यूड अगर मैं यहां पर खींचता हूं, 1 डिग्री की एक देशांतर रेखा अगर यहां मैं खींचता हूं, तो मुझे बताओ टोटल लॉन्गिट्यूड कितने बनेंगे, टोटल लॉन्गिट्यूड मैं कितने खींच सकता हूं, ध्यान से सोच के बताओगे मुझे भाई, टोटल कितना है, टोटल लॉन्गिट्यूड कितना बनेगा, टोटल है कितना, 180 डिग्री। जीरो मैंने बीच में खींच दिया, तो पक्की बात है 180 डिग्री मैं इधर जा सकता हूं, है ना, और 180 डिग्री मैं इधर, तभी तो होगा 360, 180 डिग्री इधर, जब मैं इधर जाऊंगा उसमें नॉर्थ साउथ होता था, इसमें इधर जाएंगे तो वेस्ट होगा, और इधर की जाएंगे तो क्या होगा आपका, ईस्ट। बात समझ में आई, टोटल लाइन कितनी, क्योंकि पृथ्वी गोल है और गोल है लगभग, तो कितने डिग्री का एंगल होगा, 360। तो 360 का मैं अगर मैं एक डिग्री की एक लाइन खींचता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड मेरे पास कितनी आ जानी चाहिए, 360 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड बनेगी, 180 इधर होगी, 180 इधर होगी। आप कहोगे सर 180 इधर 180 इधर, कौन कितनी होगी, 300
60 और एक 0 डिग्री तो कितना हो गया 361, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 183 ये वाली और ये वाली जो आपकी मेरिडियन होगी ये क्या होगी सेम होगी, इसीलिए यहां पर टोटल कितना होगा 360। देखो मैं क्या कह रहा हूं भाई, टोटल कितनी होनी चाहिए 180 लाइन दर बन रही है, 180 लाइन दर तो टोटल कितनी 360 और एक 0 डिग्री भी तो है तो टोटल कितनी बननी चाहिए 360 प्लस एक 361। बट ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट ये एक ही होती है, जैसे आगे से आओगे ना पीछे इस प्रकार से, तो जो पीछे जो होगी यहां से यहां जाओगे पीछे के साइड में तो ये सेम आती है, और ये लाइन जो है जस्ट इसी के ऊपर से आएगी आपका, ठीक है, ये जो है जस्ट इसके बैक साइड में होती है, और जब इसके बैक साइड में होगी तो मैं इसी को यहां पर जिगजैग करके दिखा रहा हूं, इसी लाइन को हम बोलते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्या बोलेंगे इसको 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसको कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को, ये सेम होती है 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट सेम होती है जस्ट इसके पीछे। कैसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे बताओ ये एंगल कितने डिग्री का है, विजिबल है ये एंगल कितने डिग्री का है बताओ, आप बोलोगे सर ये एंगल ये तो 0 डिग्री का है ना, 0 डिग्री का, चलो ठीक है ये 0 डिग्री का, इसी को अगर मैं इधर एक्सटेंड कर दूं ये कितने का हो गया आपका 180, मतलब ये आगे वाली लाइन थी 0 डिग्री और इसी को अगर मैंने पीछे बढ़ा दिया तो ये कितना हो गया 180 डिग्री, तो सेम ऐसे ही है जब ये सामने से देख रहे हो आप पृथ्वी को, जब पृथ्वी को टॉप से देखोगे तो आपको अर्थ कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक है ये, और ये 0 डिग्री की लाइन ऐसे दिखाई देगी आगे, तो अगर मैं इसी को पीछे बढ़ा दूं तो क्या हो गया 180, तो आगे 0 है पीछे कितनी है 180, समझ में आई बात, और ये कंप्लीट सर्कल बनाएगा, देखो ऐसे कंप्लीट क्या बनेगा आपका सर्कल, ये आधा जो होगा ये आर्क मेरिडियन, और अगर कंप्लीट मैं इसको करूंगा तो ये क्या बनाएगा सर्कल, 0 डिग्री मेरिडियन 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों मिलकर क्या बनाएगा कंप्लीट आपका ये सर्कल बनाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है मैं एक बार हट जाता हूं यार या स्विच करा देता हूं, एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, को बोला था कि सर स्क्रीनशॉट हमें लेना होता है तो एक बार आप स्विच करा दो, सो एक बार स्विच करा दिया, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, एक बार ले सकते हो, उसके बाद मैं आगे मूव कर रहा हूं, ठीक है चलिए नॉर्मल मोड सर। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट में जो बात करना चाहता हूं आपसे वो क्या है, अब देखो इनके नाम हमें रखने पड़ेंगे, है ना, नाम कैसे रखेंगे, देखो भाई जो 0 डिग्री है अभी देखना सिंपल वही मैं प्रोसेस आपका फॉलो कर रहा हूं, यहां पर कुछ भी ऐसा अलग नहीं करूंगा जैसा लास्ट क्लास में मैंने किया था लैटिट्यूड के केस में, सेम बहुत आसान चीज है यार, कॉन्सेप्ट हम डेवलप करने की कोशिश अपना कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे भाई, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री मैंने कैसे खींची भाई, ऐसे खींची मैंने सर 0 डिग्री, और ये 0 डिग्री जो है ये पूरे अर्थ को दो भागों में बांट रही, देखो इसके इधर और इसके इधर, आधा गोला इधर है आधा इधर है, इधर आएगा तो क्या होगा इसको बोलेंगे WH वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध इसके इधर है, और इसके इधर मैं बात करूं तो क्या है मेरे पास दोस्तों ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध। सारी PDF अभी है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको, बट PDF देखने से पहले थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं यार, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद हम जो अपना नॉर्मल वे है ना PDF वाला वो भी आपको मिल जाएगा, पूरी की पूरी PDF यहां मैंने आपके लिए रख दिया, तो टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। सो ये 0 डिग्री जो है अब इसके नाम क्या रखेंगे भाई, अब इस 0 डिग्री का अगर मैं नाम आपको रखूं, देखो नाम क्या रखेंगे, इसको हमने नाम दे दिया क्या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्या नाम दिया हमने इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर, क्या नाम दिया हमने इसको 0 डिग्री देशांतर। सर जी इस बात से होगी नाराज, नाराज क्यों होगी पता आपको, ये बोली कि यार 0 डिग्री जो बोल उसमें खींचते थे हम जो इक्वेटर में, देखो ऐसा खींचते थे ना, जब ये खींचते थे इसको तो कह रहा था दो दो नाम दिए तुमने, भूमध्य रेखा उसके बाद में इक्वेटर, और मेरे को एक नाम दिया वो भी कैसा 0 डिग्री देशांतर, बहुत बेकार घटिया सा नाम दे दिया, तो ये भाई नाराज होगी इस बात पे, ठीक है। अब नाराज होगी तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नाराज होगी तो सर मनाना पड़ेगा, है ना, हाँ या ना भाई, नाराज अगर हो जाती है तो मनाना पड़ेगा कि नहीं, और देखो बता देता हूँ ऐसा अगर हो जाए तो टाइम से मना लियो, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कई बार बहुत लेट हो जाता है और फिर बाद में मानती नहीं है भाई, ठीक है, तो अगर मनाना हो तो टाइम से मना लियो भाई। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, अब ये मानना नहीं माननी नाराज होगी, तो हमने इसको मनाया, मनाया कैसे भाई, देखो मनाया कैसे मैं बता देता हूँ, मैंने इससे जाके बातचीत की, मैंने इससे पता क्या कहा, मैं कहा देख बात सुन, बात सुन, ऐसे तो बहुत सारी लाइनें खींचूंगा मैं यहाँ पे, मैंने बात किया इससे क्या, मैं बोला कि ऐसे तो मैं यहाँ पे बहुत सारी लाइनें खींचूंगा, ये 0 डिग्री होगी, उसके बाद ये 1 डिग्री ईस्ट, फिर ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7, इधर भी ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, मामला ऐसे ही चलेगा, 180 लाइन इधर खींचूंगा, 180 लाइन इधर खींचूंगा, लेकिन मैंने कहा कि सबसे पहले तेरे को खींचा है 0 डिग्री खींचा है, क्यों पता है, क्योंकि ये सबसे खास है,
तो मैंने इसको पता क्या कहा, मैं कहा बाकी सब बकवास है और तू अपनी खास है, तो इसलिए खास को हम क्या बोलते हैं, प्राइम। तो मैंने इसको कहा कि भाई आप तो प्राइम हो, सबसे खास हो, प्राइम मेरिडियन। मैंने नाम दे दिया इसको, क्या नाम दे दिया दोस्तों, हमने इसको नाम दिया प्राइम मेरिडियन। क्यों कहा हमने, क्योंकि बहुत सी लाइन खींचनी है और सबसे पहले हमने 0 डिग्री को खींचा, तो हमने इसको बोला बाकी सब बकवास है, तू अपनी खास है, है ना, बाकी तो टाइम पास है, तेरे से अपनी बातचीत पहले चल रही है तो खास है तू। भाई ये नहीं माननी करी, खास होती ना तो पहली बार में चकाचक नाम देते, मैं कोई खास वास नहीं हूँ। भाई नहीं माननी तो क्या करेंगे, दूसरा नाम देंगे और फिर क्या करेंगे, बनाना तो है ना भाई, मनाना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए हमने इसको दूसरा नाम दे दिया सर जी। और दूसरा नाम पता है क्या दिया मैंने इसको, दूसरा जो नाम दिया गया वो इसको दिया गया ग्रीनविच मेरिडियन। क्या नाम दिया इसको दूसरा, ध्यान से देखना, ग्रीनविच मेरिडियन, सेकंड नेम जो हमने इसको दिया ग्रीनविच मेरिडियन। अब आप पता क्या कहोगे, सर हिंदी में बताओ, हमें नहीं पता इंग्लिश में, तो लो भाई हिंदी में बता देता हूँ, जो हिंदी भाषी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्राइम मेरिडियन हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे, देखो सर इसको बहुत चटपटा वर्ड है, प्राइम मेरिडियन, तो हिंदी में इसको प्राइम मेरिडियन ही कहेंगे, ठीक है, कुछ अलग से नहीं होगा। प्राइम मेरिडियन का मतलब रेखा होता है। ग्रीनविच को क्या बोलेंगे सर, ग्रीनविच को देखो क्या बोलेंगे, ग्रीनविच को बोलेंगे ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, तो ऐसा हिंदी इंग्लिश का कोई लफड़ा नहीं है, प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, इसको दोनों में ही सेम नाम जो है आपका दिया जाएगा, एक जगह प्राइम मेरिडियन बोलेंगे, दूसरी जगह ग्रीनविच मेरिडियन इसको बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। सो 0 डिग्री जो हमारी लाइन होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइम मेरिडियन और ग्रीनविच मेरिडियन। चलो एक बात तो मेरे समझ में आती है कि प्राइम मेरिडियन इसका नाम क्यों है, पर मेरे को ये समझ में नहीं आता ग्रीनविच मेरिडियन क्यों है, क्या आप में इसको ही बता सकता है? हाँ बता सकते हैं सर, क्या क्यों इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, बिकॉज ये एक ग्रीनविच शहर से पास होती है, ग्रीनविच सिटी से पास होती है, दैट्स वाई दिस लाइन इज नेम्ड एज ग्रीनविच मेरिडियन। तो जब हम ये बात कर रहे थे ना, तो वहां पर हमने ये सारा काम करने के लिए एक्चुअली क्या ना, जब हम सारा काम कर रहे थे, ये पूरा सिस्टम बना रहे थे कैसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डिफाइन करेंगे, तो हम एक मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग के दौरान हमने बात किया, तो हमने एक लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की, उस लेबोरेटरी का नाम पता है क्या है, उस लेबोरेटरी का नाम है रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन, ठीक है, और ये रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन जो है, दिस इज अ लेबोरेटरी जो बेसिकली कहां पर स्थित है आपका, ये स्थित है, इट इज सिचुएटेड इन ग्रीनविच, ये आपका ग्रीनविच शहर के अंदर स्थित है, और ये ग्रीनविच से होती हुई जाती है, इसीलिए इस लाइन को हम क्या बोलते हैं आपका ग्रीनविच, ठीक है, और ग्रीनविच कहाँ है, इट इज लोकेटेड नियर लंदन। सो ये कहाँ से गुजरता है आपका बता दूं मैं आपको, इट इज लोकेटेड नियर लंदन। सो बेसिकली ये ग्रीनविच जो है आपका मेरिडियन, ये कहाँ से होकर पास होती है दोस्तों, याद रखना, इट पासेज फ्रॉम द ग्रीनविच, इसीलिए इसको नाम क्या दिया, ग्रीनविच एक नामक शहर है जहां से गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन हम कहते हैं। अच्छा ये तो हो गया बात, इसको हम एक बात और भी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, हम इस लाइन को ना हम जीएमटी भी बोलते हैं, आगे आप पढ़ोगे क्या बोलते हैं इसको, जीएमटी क्या बोलेंगे, ग्रीनविच मेरिडियन, टी का मतलब क्या होगा, टाइम, ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन इसको भी बोलते हैं, इसको इंटरनेशनल टाइमलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कितने नाम हो गए, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, और एक तीसरा नाम क्या है, तीसरा बोलते हैं इंटरनेशनल टाइमलाइन, ठीक है, इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ना सॉरी अंतरराष्ट्रीय टाइमलाइन भी जो है इसको कहा जाता है। समझ में आ रही बात। सो एक बार जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, मैं साइड हो रहा हूं, एक बार इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, ठीक है। सो ये हो गया आपका इंटरनेशनल टाइमलाइन, 0 डिग्री जो है उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं नेक्स्ट जो बात करूंगा, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 180 डिग्री, 180 डिग्री को देखो क्या कहेंगे। तो 180 डिग्री की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, अब 180 डिग्री को क्या बोलेंगे, ध्यान से देखना, जिस प्रकार से प्राइम मेरिडियन थी ना, ऐसे ही 180 डिग्री को भी मैं नाम दूंगा अब यहाँ पे। क्या भाई हमने क्या देखा सर, हमने अभी अभी जस्ट आपका यहाँ पर स्टडी की है, क्या हमने देखा, ये तो है 0 डिग्री, ठीक है, और 0 डिग्री के दो नाम हमने रख दिए, पहला क्या प्राइम मेरिडियन, और दूसरा नाम जो मैंने यहाँ पर रख दिया वो क्या है दोस्तों, अभी उससे भी दिखाऊंगा मैं, पीडीएफ से भी, बट जस्ट वेट करना एक मिनट, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट करके एक बार समझा देना चाहता हूँ, उसके बाद देखेंगे प्राइम मेरिडियन। और इसको क्या बोला जाता है, तीसरा नाम इसको बोला जाता है क्या, इंटरनेशनल टाइमलाइन, याद रखना, क्या बोलते हैं, टाइमलाइन है, डेट लाइन नहीं है, डेट लाइन अलग होगी,
डेटलाइन के बारे में अभी बताऊंगा, ठीक है। ये सामने वाली, अब ये तो सामने थी भाई, ये सामने जो है आधी ऊपर से टॉप से शुरू होता है, नीचे सामने वाली जो लाइन है ये तो जीरो डिग्री, ठीक इसके जो पीछे होगी, जो जस्ट इसके पीछे होगी, उसको मैं यहां पर देखो जिग जैग, पीछे इसके ठीक इसी के ऊपर से आएगी, दिखेगी नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा जिग जैग करके टेढ़ा करके दिखाता हूं ये मैं, ठीक है। ये लाइन क्या है आपका 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 180 डिग्री देशांतर। अब इसको क्या नाम देते हैं दोस्तों, इसको हमने नाम दिया है पता है क्या, इसको हमने नाम दिया है इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या नाम दिया दोस्तों, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पता है क्यों, बिकॉज जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस करोगे आपकी जो डेट है वो क्या हो जाएगी, चेंज, तिथि आपकी परिवर्तित हो जाएगी। अब ये कैसे होगी, ये आपका जब मैं एप्लीकेशन कराऊंगा ना तब बताऊंगा, ठीक है। तो ये अभी नहीं देखेंगे, जब एप्लीकेशन पार्ट होगा तब बताऊंगा कि कैसे जो है ये चेंज हो जाती है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये किन किन कंट्रियों से पास होगी, ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज से पास होगी, कौन कौन से सी से पास होगी, या कौन कौन सी टेरिटोरीज जो हैं वहां से पास होगी, मतलब किस किस जगह से होते हुए गुजरेगी जीरो डिग्री की लाइन। ये आपको याद रखना, अगेन मैप पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको सेम चीज किस में याद रखनी है कि जीरो डिग्री जो है ये कहां से पास होगी, इट पासेस फ्रॉम वेयर, मतलब एक जीरो डिग्री प्राइम मेरिडियन और 180 यानी कि जो आपका ग्रीनविच मेरिडियन और जो दूसरी है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन वो कहां से पास होगी। बात समझ में आ रही है, देखो यार दोबारा से देख लेते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, एक मिनट का काम है भाई। जिस प्रकार से हमने देखा आपका कल अक्षांश, ऐसे ही देशांतर रेखाएं होती हैं, तो देशांतर रेखाएं कैसे होती हैं, ऐसे वर्टिकल लाइन हम खींचते हैं। खास बात क्या है, देशांतर रेखाएं एक ही पॉइंट से शुरू होती है और एक ही पॉइंट पर आकर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। सो अगर मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करूं तो कितनी होगी, जीरो, ठीक है, याद रखना वो क्या होती है आपका, जीरो होती है। तो ये हमने देख लिया। अब बहुत सारी लाइनें हम खींचते हैं, कितनी लाइनें खींचते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर मैंने बताया था ये जीरो डिग्री, तो 180 इधर आती है, 180 इधर, क्यों, क्योंकि गोल पृथ्वी है, 360 डिग्री यहां पर बनता है। एक डिग्री की अगर मैं एक लाइन बनाता हूं तो टोटल लाइन 360 बनती है, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हो गए, 360। 360 में से लॉन्गिट्यूड में से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो 0 डिग्री और दूसरा है 180 डिग्री। अब ये 0 डिग्री जो है इसको हमने क्या नाम दिया था, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन और इंटरनेशनल टाइम लाइन, इसे टाइम चलता है, अभी बताऊंगा, लोकल टाइम इसे फाइंड आउट होता है। ग्रीनविच क्यों कहते हैं, बिकॉज ये ग्रीनविच नामक शहर से पास होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ग्रीनविच लाइन। दूसरा मेरे पास है आपका 180 डिग्री, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और ये कहां से पास होती है आपका, इट पासेस, ये कहां से, ये अभी बताऊंगा, दोनों लाइनें कहां से गुजरती है, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको यार, जो हमने अभी डिस्कस भी की थी, क्या थी देखो समझो, जैसे मैंने डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड बात किया, ऐसे ही अब मैं बात करूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड। तो पहले लॉन्गिट्यूड होता क्या है, देखो अपने डायग्राम के मेथड से वो देख लेते हैं, पीडीएफ जो अभी पढ़ा उसको थोड़ा सा इस प्रकार से भी समझने की कोशिश करते हैं। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं बेसिकली दे आर द एंगुलर डिस्टेंस, देखो ये भी एंगल्स ही होते हैं, यहां पर देख पा रहे हो आप ऊपर, तो ये एंगल होते हैं, देखो ये भी एंगुलर डिस्टेंस होती है, और ये एंगुलर डिस्टेंस कहां से होती है आपका, दीज, सर एक बार स्विच कर देना प्लीज, ये एंगुलर डिस्टेंस है, देखो ये एंगुलर डिस्टेंस है, और ये एंगुलर डिस्टेंस किससे है आपका, ये इस लाइन से है, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं आपका, प्राइम मेरिडियन। सो प्राइम मेरिडियन से आपकी कितनी डिस्टेंस है, ये देखो कितना एंगल पे हो आप, जितने एंगल पे हो उतना ही, जैसे ये है मान लो 45, तो इसका मतलब ये एंगल है 45 डिग्री, ये मैं लिख रहा हूं 120, दैट मींस ये जो लाइन है ये एंगल कितना बन रहा है 120, तो ये भी जैसे उसमें था ऐसा इसमें भी है, ये भी क्या है आपका दोस्तों, एक एंगुलर डिस्टेंस है, एक कोणीय दूरी होती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, जीरो डिग्री को, ठीक है, क्यों बोलते हैं मैंने बताया था, बाकी सब बकवास है, ये अपनी खास है, इसलिए हम इसको कहते थे प्राइम मेरिडियन। सो लॉन्गिट्यूड जो है इट इज मेजर्ड इमेजिनरी लाइन, ये भी सारी की सारी इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है, याद रखना सारी की सारी नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल तक जाती है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी हमेशा ही क्या होगी आपका, जीरो, याद रखना है बात। और अगर मैं बात करूं कि दो लॉन्गिट्यूड यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहां पर होगी, वो कहां पर होती है आपका, वो होती है एट इक्वेटर, और कितनी होती है, तो ये भी याद रखना दोस्तों 111 किलोमीटर ही होती है, ठीक है, सेम होती है दो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी आपका क्या होती है, सेम, दैट इज 111 डिग्री। लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है और वो रेखाएं आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ऐसे
लेकिन मैं लॉन्गिट्यूड में बात करूं तो ये लॉन्गिट्यूड सारे एक पॉइंट से शुरू होते हैं और एक ही पॉइंट पर खत्म हो जाते हैं, इसलिए वहां पर इनके बीच की दूरी क्या होगी, आपका सेम होगी, है ना। सो जो मैक्सिमम दूरी दो अक्षांश दो देशांतर रेखाओं के बीच में होती है वो कहां होती है आपका, वो होती है एट इक्वेटर, यानी कि आपका भूमध्य रेखा पर होती है। और वो कितनी होती है, दोनों में सेम होती है, कितना आपका 111 किलोमीटर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। सो दीज लाइन जो है दे आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियन, हिंदी में भी देखो इनको बता देता हूं, इन लाइनों को ना हम क्या बोलते हैं, लाइनों को मेरिडियन कहा जाता है। ये कोणीय दूरी है जिसे भूमध्य रेखा के पूर्व या पश्चिम में, अगर मैं मान लूं आपका कि ये मेरे पास है 0 डिग्री, है ना, प्राइम मेरिडियन है ना, तो अगर मैं बोल रहा हूं आपका क्या, मैं बोल रहा हूं मान लो 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइन होगी 30 डिग्री वेस्ट, इसका मतलब ये एंगल जो है ये कितना हो गया 30 डिग्री का, कितना हो गया 30, और ये किधर साइड में आपका, देखो वेस्ट साइड में। अगर मैं यहां पर इस लाइन को बोलता हूं, ठीक है, ये तो चलो इसमें है, मैं अपना एक नेक्स्ट इसमें अलग से आपको समझा देता हूं। सपोज मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं ये, अगर मैं आपको कह रहा हूं क्या, ये 0 डिग्री है मेरे पास, मैं इस लाइन का नाम दे रहा हूँ आपको कितना 30 डिग्री, मैं इसको बोल रहा हूँ कितना 30 डिग्री वेस्ट, और इधर एक लाइन है जिसको मैं बोल रहा हूँ 60 डिग्री वेस्ट, वेस्ट क्योंकि इधर है और ये ईस्ट इधर है, इसका मतलब ये एंगल कितना है दोस्तों, ये एंगल है 60 डिग्री का, और ये एंगल जो है इधर ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, ईस्ट वेस्ट रेस्पेक्टिवली हम बात करते हैं, है ना। और हमने देखा था ऐसी बहुत सारी लाइनें जो है अपने पास बनेंगी, ये 0 डिग्री है तो मैंने फिर ऐसे खींचूंगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 4 5 6, ऐसे कैसे करके हम यहाँ पर कितने डिग्री तक जाएंगे, 180 डिग्री वेस्ट तक जाएंगे, सॉरी ईस्ट तक जाएंगे, और इधर कितने तक जाएंगे हम, 180 डिग्री वेस्ट। बात समझ में आ रही है, तो 180 ये 180 है, टोटल कितने हो गए 360, प्लस में एक क्या होना चाहिए, इक्वेटर, तो टोटल कितने होने चाहिए 361, बट माइनस, क्योंकि 180 ये और ये सेम होता है इसलिए एक माइनस होता है तो ये कट जाता है, टोटल कितना आता है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड अगर आपसे कोई पूछे तो कितने होते हैं, 360 है। तो ये बात आप रखोगे याद, और इसके साथ में चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो अगला बात क्या है यार, फैक्ट्स रिलेटेड विद दिस, क्या क्या फैक्ट रिलेटेड है, तो मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने आपका, देखो 360 है ना भाई, ये खींचे हमने और 360 इधर से देखोगे तो ये 0 डिग्री है अगर मेरे पास, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा तो इधर जाऊँगा मैं 180 डिग्री, और देखो बहुत बेसिक क्लास है, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि अगर बेसिक समझ में आ गए ना तो बाकी चीज़ हम देख लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया पूरी ज्योग्राफी इन्हीं चीज़ों पर टिकी हुई है, अगर ये समझ में नहीं आता तो फिर हो गया काम आपका। द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड, सबसे जो पश्चिम में आएगा, ये जो सबसे पश्चिम का होगा ये होगा 180 डिग्री वेस्ट, और इधर का कितना होगा 180 डिग्री ईस्ट। आपको मैं बता दूं 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट ये दोनों सेम होते हैं, इसीलिए मैंने देखो यहाँ पर एक माइनस किया हुआ है कि, क्योंकि ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों सेम होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द 180 वाली जो होती है उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं, मैं आपको ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो 0 डिग्री की लाइन होती है ना हमारी जो बीच से जाती है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, मैंने बता दिया ये भी आपको, ठीक है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती है, सारी की सारी लाइनें जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ही ओर आएगी आपका। दे आर इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग द लोकल टाइम, मैं बता ही चुका हूँ। एंटी मेरिडियन किसको बोलते हैं, जो पीछे जस्ट इसके पीछे साइड में है, जिसको हम बोलते हैं 180 डिग्री देशांतर। तो ये बात जो है आई होप आपको ये समझ में आई है, ये चीज आपको ऑलरेडी से पता है, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज यार थोड़ा सा ना कुछ YouTube में प्रॉब्लम है, मैं आपके कमेंट्स जो है वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कमेंट्स में नहीं देख पा रहा हूँ, कमेंट जो है मैं आपके नहीं देख पा रहा हूँ अभी यार, बैक टू बैक बहुत लेट मेरे को कमेंट मिल रहे हैं। सो एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ यार सेशन को आप शेयर कर दो यार, लाइक आपको करना है और सभी बाकी जो बच्चे हैं ताकि वो देख पाए, तो एक बार क्लास को आप शेयर कर दो। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। खुशबू साहू, नीरा राज, नेहा प्रवीण, निशा शर्मा, कयामत स्टूडियो, अनु, एक बार इसको आप शेयर कर दीजिए। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है बाद में बताऊंगा, हॉर्स लैटिट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है ना, हॉर्स लैटिट्यूड हम बोलते हैं आपका जो 23 हाफ नॉर्थ और 23 हाफ साउथ के पास में जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनती है ना, दैट इज नोन एज द हॉर्स लैटिट्यूड, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो बाद में पढ़ेंगे, उसको अभी नहीं पढ़ेंगे हम। अब देखो जो ग्रीनविच मेरिडियन होती है वो ग्रीनविच से ही क्यों पास होती है बता देता हूं आपका। देखो ग्रीनविच शहर कहां पर है यार दोस्तों, ये जो ग्रीनविच मेरिडियन है ये कहां से पास होती है आपका, ग्रीनविच। अब ये ग्रीनविच सिटी जो है ये कहां पर स्थित है आपका, ग्रीनविच सिटी जो है ये लंदन के पास में है, और लंदन कहां पर है, इंग्लैंड। अब ये इंग्लैंड में क्यों है, इसके पीछे भी एक कारण है, नॉर्मल मोड प्लीज। इंग्लैंड में क्यों, का जो सबसे पावरफुल कंट्री है, जो सुपर पावर है, वर्ल्ड सुपर पावर कौन है, पाकिस्तान,
पाकिस्तान है सुपर पावर, सुपर पावर कौन है, यूएसए, ठीक है, अमेरिका। तो जो आज की सुपर पावर है ना हमारी अमेरिका, है ना, जो यूएसए है, वो भी एक समय ऐसा होता था जो गुलाम होता था, किसका पता, इंग्लैंड का, इंग्लैंड का ये भी गुलाम होता था। ये तो जो रेवोल्यूशन हुआ अमेरिकन रेवोल्यूशन 1770s के आसपास, उसके बाद में इसको इंडिपेंडेंस मिली है, किसको, यूएसए को, किससे, इंग्लैंड से। सो इंग्लैंड बहुत पहले से पावरफुल था यार, और यहाँ पर जो एक एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी जो थी वो मतलब काफ़ी इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग थी, पढ़ने लिखने का काम। देखो आज भी आप इंग्लैंड में जाओगे ना तो इंग्लैंड में लोग आदमी दो ही काम करते हैं, अपने यहाँ इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंग्लैंड में दो ही काम होते हैं। जितने भी ये जो लिटरेचर के प्राइज़ है, ठीक है, मैन बुक कर, ये बुक कर, ये बुक कर, ये सारे के सारे इंग्लैंड वाले लेके जाते हैं, ठीक है। या जितना भी जो कैपिटल, देखो इन लोगों ने दुनिया से पैसा लूट लूट के इकट्ठा कर लिया, आज या तो ये बैंक एस्टैब्लिश करते हैं, बैंक अपने खोलते हैं, और या अगर बात करोगे तो किताबें लिखते हैं। तो उस समय इनके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया था, तो अभी सारे काम को करने के लिए, रिसर्च के लिए वो चाहिए होता है पैसा। तो जो उस समय पैसा जो था वो सारा का सारा कहां से आया था, वो सारा का सारा पैसा जो था आपका इंग्लैंड से आया था, और इंग्लैंड उस समय एक बहुत पावरफुल कंट्री था। तो ऑलरेडी बहुत सारे देश ऐसे थे, क्योंकि इसकी कॉलोनी थी, इंग्लैंड ने लगभग आधी दुनिया पे राज किया था उस समय। सो इंग्लैंड मतलब आधी दुनिया ऑलरेडी अपना लोकल समय जानने के लिए इसका यूज इस्तेमाल पहले से ही वो कर रही थी। तो इसीलिए बाद में इसी को फाइनल कर दिया कि चलो ठीक है, ये लाइन जो है हम कहां से पास कर देते हैं, ये लाइन जो है हम इंग्लैंड से ही पास कर देते हैं, ग्रीनविच सिटी से। वहां पर एक लेबोरेटरी बनाई गई जिसका नाम मैंने आपको बताया था, नाम क्या है उसका, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन, वहां से पास कर दी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ग्रीनविच मेरिडियन। समझ में आ रही बात। सो अब कई बार सवाल आता है कि सर ग्रीनविच मेरिडियन कहां से पास होती है। सर नॉर्मल स्विच कर दीजिए एक बार प्लीज। ग्रीनविच मेरिडियन कहाँ से पास होती है, तो अगर मैं आपको बताऊं, ये वर्ल्ड मैप है आपके सामने, अब ये आपको पता होना चाहिए ग्रीनविच मेरिडियन। देखो यही होता है मैप वर्क जो आपको साथ साथ करते हुए चलना है, यहाँ से पास होती है, दिस इज द लाइन, ये जीरो डिग्री आपका कहाँ से पास हो रही है। तो अगर मैं सिंपल आपको दिखाऊं तो देख सकते हो, देखो यार आठ कंट्री हैं, आठ देश हैं जहां से गुजर रही है, एक टेरिटरी है जहां से इससे ग्रीनविच मेरिडियन गुजर रही है, और तीन कॉन्टिनेंट जो इसमें इन्वॉल्व हैं। कॉन्टिनेंट महासागर कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक तो है यूरोप, यूरोप में से होकर गुजरती है, अफ्रीका में से गुजरती है, और एंटार्क्टिका, तीन महाद्वीप से गुजरती है। यूरोप के तीन देश हैं जिससे पास हो रही है, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, यहां अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, ठीक है, नाम देश बहुत छोटा है, नाम बहुत बड़ा है, बुर्किना फासो, बिहार में नाम मत दे देना। अगला है टोगो, और लास्ट में क्या है, घाना। टेरिटरी की बात करूं मैं तो एंटार्क्टिका जो क्वीन मड लैंड है आपका, यहां से गुजरती है। वाटर बॉडीज किस किस वाटर बॉडी से पास होती है, आर्कटिक सागर से, नॉर्वेनियन सागर, नॉर्थ सी, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक और सदर्न ओशियन। अब यहां से ये मैप में देख सकते हो आप, लेकिन देखो यार बीइंग अ ज्योग्राफी स्टूडेंट यार, आप लोगों का मैप वर्क जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके लिए देखो मैं अपने को, ये तो ठीक है आप लोग कहोगे सर ये तो सारा आप ऐसे ही पढ़ा रहे हो, मैं अपने तरीके से पढ़ा देता हूं। देखो मैप वर्क आपको स्ट्रांग होना चाहिए, कला का आपको बेहतरीन प्रदर्शन करते रहना है बार बार समय समय पर। तो देखो आपको मैप वर्क कैसे करना है, देखो ये थी सपोज मेरे पास जीरो डिग्री है ना, दिस इज जीरो डिग्री, सो जीरो डिग्री यहीं से ये पास हो रही है आपका। सो देख लेते हैं, देखो कहां कहां से, किन किन रीजन से ये होके गुजर रही है। सो इफ दिस इज जीरो डिग्री, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है आपका, दिस इज अफ्रीका, ठीक है। सो देखते हैं हम कहां से ये गुजरती है दोस्तों। सो ये कहां से पास होती है, जिसका नाम है आपका प्राइम मेरिडियन, दिख रहा है, विजिबल है आपको। चलिए तो यहां दिखा देता हूं कहां से पास होती है, आपका मैप वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको बनाना आना चाहिए सब कुछ। तो जीरो डिग्री जो है देखो यहां से ये पास हो रही है आपका, ठीक है। सो दिस इज जीरो डिग्री, क्या है ये, जीरो डिग्री, कहां से पास हो रही है अब आपको देखना है, और इसके अंदर वो बताना भी है आपको कहां से पास हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो जल्दी से हम इसको देख लेते हैं कहां कहां से गुजरती है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो ये रहा, तो ये जगह है आपकी जिसको हम बोलते हैं इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड के जस्ट बाद में यहां पर है, देखो अब इंग्लैंड अकेला नहीं है, बहुत सारे और भी देश है जो फोकट में नाम कमा गए। इंग्लैंड के बाद दूसरा क्या है, फ्रांस, फ्रांस के बाद अगर मैं तीसरा बात करूं यहां पर, तो ये क्या है आपका दोस्तों, स्पेन, ठीक है। इसके बाद चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है यहां पर, देखो यहां पर है आपका ये अल्जीरिया, कौन सा देश है, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद जस्ट नेक्स्ट आओगे तो ये है माली,
माली के बाद यहां पर एक तीसरा देश है, इसका नाम है, बताया था मैंने, बहुत छोटा देश है, बुर्किना फासो। इसके बाद जो है देश उसका नाम है टोगो, और लास्ट में जो है दोस्तों उसका नाम है घाना। ठीक है, घाना। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये सीक्वेंस में ऑर्डर में आपसे पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण में अरेंज करो कि कहां कहां से पास होती है, कौन आपकी प्राइम मेरिडियन, आपकी जीरो डिग्री आपको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है। तो ये जो तीन है ये कहां से पास हो रही है दोस्तों, ये तो है आपका यूरोप। ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज यूरोप। तो ये हो गए आपके यूरोप से गुजरती है ये, और ये कौन से कॉन्टिनेंट के हो गए, दीज आर फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो ये अफ्रीका से हो गए। तो दो कॉन्टिनेंट हो गए, और नीचे अगर अब मैं बात करूं आपका तो नीचे भी एक कॉन्टिनेंट है जहां से गुजरती है, और वो जो नीचे कॉन्टिनेंट है दैट इज नोन एज एंटार्क्टिका। तो ये ऐसे करके वहां से भी आपका पास होती है, सो दिस इज एंटार्क्टिका। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया। वाटर बॉडी की हमने बात करनी है, तो वाटर बॉडी देखो कौन सी होगी, वाटर बॉडी मैं अगर बताऊं आपको तो देखो सबसे ऊपर तो ये रहा जिसको हमने क्या नाम दिया है आपका आर्कटिक सी, आर्कटिक महासागर है। उसके बाद में यहां पर देखोगे सेकंड जो पार्ट इसमें बताया है आपका आर्कटिक सागर के बाद नॉर्वेनियन सी, ये इसी का भाग है, नॉर्वेनियन नॉर्थ दोनों ये इसी के भाग हैं जो हम बात कर रहे हैं देखो यहां पर। ठीक है, ये सब इसी के भाग है, तो याद रखना मैं आपको दिखा देता हूं, वैसे हम इंडिकेट कर लेते हैं। तो यहीं पर है ये दोनों के दोनों, पहला है नॉर्वेनियन सागर और इसी में है यहां पर क्या नॉर्थ सी, नॉर्थ सागर। इसके बाद देखो ये दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका नाम जो है इसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी, हिंदी में इसको कहते हैं भूमध्य सागर। इसके ऊपर एक स्टोरी सुनाऊंगा अभी आपको, मैं क्या सुनाऊंगा इस पर स्टोरी, भूमध्य सागर है यहां पर। इससे नीचे आओगे तो ये आ गया दोस्तों, अब ये कौन सा सागर है, ये है अटलांटिक। ठीक है, अगर हम बात करें तो दिस इज योर अटलांटिक ओशियन, मेडिटेरेनियन के बाद अटलांटिक और फिर नीचे क्या है सदर्न ओशियन, दिस इज योर अटलांटिक, दिस इज योर अटलांटिक ओशियन एंड द नेक्स्ट ये जो है इसको हम बोलते हैं सदन, या आपका हो गया कह सकते हो एंटार्क्टिका, सदन ओशियन। ये हो गए, ये आपकी अलग अलग जगह है जहां से पास हो रही है। तो याद रखोगे आप नॉर्थ से साउथ में ये सीक्वेंस, देखो ये वैसे जरूरी है दोस्तों क्योंकि बींग अ यूपीएससी इंपॉर्टेंट, सर एक बार स्विच कर दीजिए, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, कहां कहां से गुजरती है। वैसे मैप में भी मैंने इसको रखा हुआ है, आप मैप में से भी देख सकते हो। अगर मैं मैप में दिखाऊं आपका तो देखो ये रहा आपका मैप वर्क, ये जगह के नाम मैंने लिखे हुए हैं एंड दिस इज द मैप विच बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यार एक बार शेयर कर दो यार, लाइक आपको करना है, शेयर आप कर नहीं रहे हो, दिस इज वेरी बैड यार। इतना आपके लिए मेहनत और काम हमारी पूरी टीम कर रही है यार, हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार इसको शेयर करो। अटलांटिक ओशियन यस एस शेप का है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं अंशुल मिश्रा। सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, आप टेंशन ना लो, कुछ भी छूटेगा नहीं, है ना। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं समझाऊं, देखो बहुत मजेदार एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से देखना। और वो कहानी क्या है, ये जो इलाका नहीं है देखो, जो मैं इस इलाके की बात कर रहा हूं, देखो इस इलाके पे ध्यान देना, जो मैंने हाईलाइट यहां से किया है, मैं ग्रीन मार्कर से इसको फिर से हाईलाइट कर रहा हूं। देखो ये जो इलाका है, क्योंकि ये देखो भूमध्य सागर के आसपास पड़ता है ये इलाका जो है, इट कम्स अलोंग द मेडिटेरेनियन सी, और क्योंकि ये भूमध्य सागर के पास पड़ता है इसीलिए यहाँ की जलवायु को हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु। इस जलवायु की खास बात क्या है, यहां पर जो बारिश है वो सर्दियों में होती है, और जहां पर बारिश सर्दियों में होती है वहां पर खट्टे फलों की खेती की जाती है, सीट्रस फ्रूट उगाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है, दोबारा बता रहा हूं, भूमध्य रेखा के आसपास जितने भी देश पाए जाते हैं इनकी जलवायु को कहा जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु। इस जलवायु की खास बात क्या है, इस जलवायु की खास बात यह है कि यहां पर वर्षा सर्दियों में होती है, और जहां वर्षा सर्दियों में होती है ना दोस्तों, वहां पर एक खास बात क्या होती है कि वहां पर खट्टे फलों की खेती की जाती है, सिट्रस फ्रूट, यहां खट्टे फल उगाए जाते हैं। और जहां पर खट्टे फल उगाए जाते हैं ना, आपको पता है खट्टे फलों से फिर क्या बनती है, शराब। क्या बनती है, शराब। तो ये जितने भी कंट्री हैं दे आर वाइन प्रोड्यूसिंग कंट्री, यहां पर दुनिया की बेहतरीन शराब बनती है सर, नॉर्मल मोड, यहां पर दुनिया की बेहतरीन, इन देशों में बात करोगे ना आप, या पुर्तगाल, स्पेन, इटली, जर्मनी, ठीक है, इधर नीचे बात करेंगे अल्जीरिया, इजिप्ट, यहां दुनिया की बेहतरीन शराब बनती है, बहुत शेरी वाइन, पुर्तगीज वाइन, यहां नेशनल ड्रिंक पता है क्या, इन देशों में जाओगे ना तो यहां का नेशनल ड्रिंक क्या पता है, वाइन। अपना नेशनल ड्रिंक क्या है सर, हमारा नेशनल ड्रिंक तो चाय है ना, टी इज अवर नेशनल ड्रिंक बेसिकली। कोई आपके परिवार में आपके घर में आता है तो क्या करते हो, उसको आता है तो पहले पूछते हो चाय लोगे क्या,
है ना, चाय तो पूछते हो, चाय देते हो, गर्म अगर गर्मी ज़्यादा है तो नींबू का पानी, भाई पानी में दो नींबू निचोड़ के पिला दोगे, यही तो काम करोगे। लेकिन सोचो आप आए तो चाय पूछा आपने, अगर आप जर्मनी में जाते हो, स्विट्जरलैंड, जर्मनी से यार मुझे कहानी याद आती है जर्मनी वाली, मैंने आपको सुनाई भी होगी, नहीं सुनाई तो सुनाऊंगा समय आने पर बहुत जल्द, पहले ये वाली सुन लो। तो जब यहाँ पे जाओगे ना आप, अपने यहाँ पूछा जाता है चाय लोगे, यहाँ पर जाओगे तो पता क्या पूछेंगे, यहाँ पर नेशनल ड्रिंक क्या है, वाइन, शराब। तो जैसे ही यहाँ पहुँचोगे पता क्या पूछेंगे, कौन सी लोगे, नेशनल ड्रिंक पता क्या, वाइन है यहाँ पे, शराब मतलब वाइन ऐसे ही पीते हैं, मतलब यहाँ पर जो वाइन है आम है पीते, जैसे आप नहीं कहते हो मम्मी से, भाई रोटी खाने के बाद कहते हो ना मम्मी एक कप चाय बना दे, यहाँ पता है क्या कहते हैं, रोटी खाते हैं खाना खाते टाइम पता है क्या बोल रहे हैं, खाना खाने के बाद मम्मी से, मम्मी एक पैक बना दे, ठीक है, क्योंकि क्या है नेशनल ड्रिंक है भाई, माँ भाई बहन सब साथ बैठ के पीते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इनकी शराब अपने जैसी नहीं है कि पी के कहीं भी पसर गया, भाई ऐसे पी के पसरा हुआ है और ऊपर से एक कुत्ता डोगी घूम रहा है वो गंगा जल छिड़क रहा है आपके ऊपर, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। इनकी जो शराब है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है। इनकी अगर आप वाइन कंज्यूम करते हो ना तो आपकी एज भी बढ़ जाती है, पता है आपको, समझ रहे हो। तो इस एरिया का नेशनल ड्रिंक क्या है आपका याद रखना, वाइन, क्यों, क्योंकि मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट है, यहाँ सिट्रस खट्टे फलों की खेती होती है, खट्टे फलों में जैसे क्या क्या आता है, आम सॉरी संतरा, उसके बाद अंगूर, सो उनसे क्या बनती है शराब, और शराब इससे बनती है। तो यहाँ का नेशनल ड्रिंक क्या है आपका, वाइन। यहाँ जाओगे तो क्या पूछा जाएगा, भारत में पूछते हैं सर जी चाय लोगे, जर्मनी में अगर पहुंच गए तो क्या पूछेंगे, कौन सी लोगे, आपको बताना पड़ेगा कौन सी लोगे, है ना, मम्मी पापा भाई बहन सब साथ बैठ के पूछते हैं, जैसे हम कहते हैं मम्मी एक कप चाय बना दे, यहाँ कहते हैं मम्मी एक पैक लगा देना, एक पैक बना दे, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात यहाँ पे है नहीं, बट इनकी शराब अच्छी क्वालिटी की होती है। देखा नहीं आपने, सरकार हमारी कहती है ना संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इनकी सरकार पता क्या कहती है, इनकी सरकार कहती है सर जी रोज पियो, इनकी सरकार कहती है हर आदमी को इतना वाइन कंज्यूम करना जरूरी है, अगर ऐसा करता है तो उसकी एज बढ़ जाती है, लाइफ एक्सपेंसी बढ़ जाती है, टेस्ट बड्स ओपन होते हैं, और मैं वाइन की बात कर रहा हूँ, मैं देसी दारू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट बड्स ओपन हो जाते हैं और आदमी बीमार नहीं होता, ऐसा इनका मानना है। तो इनकी सरकार कहती है हर आदमी को इतने गैलन वाइन कंजम्पशन जरूरी है, ठीक है। जैसे मैं छोटा था ना तो मेरी मम्मी, मेरे को दूध कम पसंद था, तो जब मैं स्कूल जाया करता मेरी मम्मी दूध का गिलास ले खड़ी हो जाया करती, और मेरे को पसंद नहीं था, मैं पसर जाया करता ऐसे ही, मैं लेट जाया करता, ठीक है, मतलब ड्रेस पहनी हुई है मैंने स्कूल की सुबह सुबह, और मैं ड्रेस पहन के ऐसे जो रेत होता था ना मिट्टी में ऐसे मतलब लेट जाया, मैं कहा मैं नहीं पीऊँगा। मेरी मम्मी बाद में बोलती बेटा कितना ही रो ले, कुछ भी कर ले एक गिलास दूध तो पीना ही पड़ेगा। तो जैसे हमारी मम्मियाँ कहती थी ना बेटा कुछ भी कर ले एक गिलास दूध पीना पड़ेगा, जर्मनी की मम्मियाँ क्या कहती होंगी, बेटा कुछ भी कर ले दो पैग तो लगा के जाने पड़ेंगे आज, ठीक है, दो पैग के बिना छुट्टी नहीं मिलेगी आज। सो यहाँ का नेशनल ड्रिंक क्या है दोस्तों, यहाँ का नेशनल ड्रिंक है वाइन, कैसे मैंने बता दिया, बिकॉज ऑफ द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ द क्लाइमेट, ये बहुत खास है, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। सो ये हमने देख लिया कहाँ कहाँ से पास होता है, तो दोनों तरीकों से आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप मैप व्यू, ठीक है, ये लोकेशन का मैंने नाम लिख दिया है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, सो दिस इज अवर या अपना जो हाथ से हम काम करते हैं वो। अब हम बात करते हैं, ये तो था जीरो डिग्री के बारे में, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी कि अभी हम बात किसकी करने वाले हैं, 180 डिग्री देशांतर की हम बात करने वाले हैं। We are going to talk about the 180 degree longitude. जो 180 degree देशांतर है वो कहां से पास होता है, पूछा जाता है ना, पूछा जाता है 180 degree देशांतर कहां से पास होता है, तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो इसको कहते क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अभी डेट लाइन क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि यहाँ डेट चेंज हो जाती है इसीलिए। अब आप कहोगे सर ये लाइन तो टेढ़ी है, वो लाइन सीधी थी, बट ये लाइन जो है हमने थोड़ी सी टेढ़ी करके दिखाई हुई है, पता है क्यों, इसके भी पीछे कारण है, देखो ऐसे करके कैसे मैंने मतलब लाइन का क्या बनाया हुआ है, सांप बना दिया मैंने, पता है क्यों, अगर मैं इस लाइन को देखो सीधा खींच देता ना ऐसे, तो ये कई देश से गुजर जाती, रशिया से गुजर जाती, इधर ये कामचटका पेनिनसुला यहाँ से गुजर जाती, और अगर ये देश से गुजरती ना तो दिक्कत हो जाती है, पूछो क्यों, मैं बताता हूँ, दिक्कत ऐसे हो जाती, सपोज ये इस देश के इस हिस्से से गुजर रही है, ठीक है, कोई भी देश हो सकता है, अब इसका नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ डेट बदलेगी, मतलब इसके इधर डेट रहेगी 5 तारीख और इसके इधर डेट रहेगी क्या 6 तारीख। अब किसी देश में से गुजरेगी, मान लो ये कोई देश है बेचारा, अब आधे देश में तारीख चल रही है 5 और आधे देश में तारीख चल रही है कितनी 6,
दिक्कत नहीं हो जाएगी। चलो और सिंपल समझाता हूँ और अच्छे से आपको समझाता हूँ और ये आपको समझ में आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और ज़िंदगी में कोई भूल नहीं पाएगा ये भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। इंटरनेशनल डेट लाइन को टेढ़ा करके क्यों गुजारा? टेढ़ा करके इसलिए गुजारा, मैं चलो भारत का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि सपोज अगर ये लाइन जो है वो इंडिया से पास होती तो क्या करते हम? मर जाते और करते क्या? क्यों? देखो क्या अभी बता देता हूँ मैं। अगर ये लाइन भारत से पास हो जाती तो सर जी भारत में ना दो दो आपके क्या हो जाती, टाइम जोन हो जाते अलग अलग। सपोज यहां से पास हो जाती तो इसके इधर तारीख कितनी होती, मान लो मैं बात करता हूं तो ये डेट लाइन है, तो अगर ये डेट लाइन है तो इसके इधर तारीख अगर होती 5 तो इसके इधर तारीख कितनी होती अपनी 6। समझ रहे हो बात को? ऐसा होता तो अब ये गड़बड़ कैसे होती, देखो मान के चलो शक्तिमान देखना, अब शक्तिमान आता था संडे को, है ना, आधी जगह संडे कब होगा और आधी, चलो और अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलते हैं बिहार के दो बबुआ थे, ठीक है, मतलब एक लड़का था और एक लड़की, ए प्लस बी होना चाहते थे, मतलब इन्होंने प्रोग्राम बनाया, दो अलग अलग थे ये, इन्होंने प्रोग्राम बनाया शादी कर लेते हैं भाग के, ए प्लस बी होना चाहते थे, दो थे ए और बी, और ये क्या करना चाहते थे, ए प्लस बी होना चाहते थे, इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि आगे आने वाली 16 तारीख को मामला फिट कर देंगे भाई, मतलब भाग के घर से और शादी कर लेंगे, ठीक है। अब लड़के को आ गया काम, लड़का चला गया किसी काम से चौधरी साहब के इलाके में आ गया, हरियाणा में आ गया, है ना, और लड़की जो है अभी भी वो कहाँ पर है, आपकी बिहार में। अब लड़की को टाइम दिया हुआ कितने तारीख का, 16 तारीख का, तो जिस दिन लड़की 16 तारीख को यहाँ पे तैयार बैठी रहेगी उस दिन यहाँ पर क्या तारीख होगी, 15। लड़का क्या सोचेगा, अरे कल पहुँचना है, लड़का क्या सोचेगा 15 तारीख को पहुँचना है और यहाँ पर मामला वेट कर रहा है ना, तो ए प्लस बी नहीं हो पाएंगे, फिर वही पीके वाली बात हो जाएगी, है ना भाई, वो तो पहुंच गई थी लड़की वहां पे, लड़का बेचारा लेट हो गया, पहुंचा ही नहीं, है ना, तो ए प्लस बी कभी हो ही नहीं पाएगा। सो इसीलिए ऐसी दिक्कत ना आए, है ना, ऐसी दिक्कत ना आए। अब देखो इसीलिए हमने इस लाइन को थोड़ा टेढ़ा करके गुजारा ताकि ये लाइन जो है कहां से गुजरे, ये ओशियन से, वाटर बॉडी से पास हो, इसलिए हमने इसको ऐसा टेढ़ा करके गुजारा, बिकॉज इट विल पास फ्रॉम द ओशियन, क्योंकि ओशियन में थोड़ी ना कोई गोता मार के शादी करेगा, है ना, मतलब क्या यार, ओशियन में दिक्कत थोड़ी ना होगी टाइम की भाई, लैंड पे तो दिक्कत होगी, ओशन में दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इसको सीधी पास कर देते तो देखो ये पार्ट में इधर कुछ टाइम होता, इधर तो दिक्कत आती, लेकिन जब हमने इसको ऐसे पास कर दिया तो होगा क्या दोस्तों, यहां पर टाइम जो है एक कंट्री के अंदर वो सेम हो पाएगा, इसीलिए हमने इस लाइन को टेढ़ा मेढ़ा करके पास किया है, वरना जो बबुआ थे वो ए और बी वो कभी ए प्लस बी नहीं हो पाते, बहुत भारी समस्या हो जाती दोस्तों। अब समुद्र में, अब मैंने कहोगे सर ये शादी वाला एग्जांपल, भाई उम्र हो रखी है आप लोगों की तो ऐसे एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आते हैं, इसलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, बात आई समझ में। तो ये पूछा जाता है क्यों वास्तव में इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो आपकी टेढ़ी मेढ़ी है, जिगजैग है, सो आप बता सकते हो बिकॉज ऑफ कि ए प्लस बी जो है, बबुआ ए प्लस बी हो पाए इसीलिए हमने ऐसा किया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, सभी लोग मेरे को बताएंगे ये समझ में आपको आया कि नहीं आया। तो कहां से पास होती है ये भी देख लोगे, तो जैसे अब मैं आगे पढ़ाऊंगा, जैसे आप 180 डिग्री से आप ईस्ट में जाते हो आप एक दिन आगे चले जाते हो, और इधर जाओगे तो एक दिन आप पीछे चले जाओगे, ये सारी की सारी बात है दोस्तों, इनके बारे में फैक्ट है सबके सब जो है मैंने यहां पर रख दिए हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूड के बारे में, बस खत्म कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड के बाद में हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बारे में पढ़ा, कहां से पास होते हैं वो सारी बातें हम बात करेंगे की हमने। कल हम जो बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन, और वो है टाइम कॉन्सेप्ट। देखो बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, कल की क्लास जो है आपका क्लास नहीं कपिल शर्मा का कॉमेडी शो होगा भाई, पूरा एकदम मस्त बिंदास, कॉन्सेप्ट तो समझेंगे ही समझेंगे साथ साथ में, और जबरदस्त क्लास हम कल करने वाले हैं। सो नॉर्मल मोड है तो कल जो है जबरदस्त क्लास अपनी होगी, तो आना है यार, और क्लास को पूरा रिवाइज करना है आपको, कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए, मिस ना कर हो जाए, पूरी की पूरी चीजें जो है आपको मैंने बता दी है। ऐसे ही आपको देखना है 181 जो है 80 जो है ये कहां से पास होती है, तो ये ऑलमोस्ट कहां से पास होती है, ओशियन से पास होती है, इधर आर्कटिक सी, ठीक है, ये मैं आपको कल बता दूंगा, आज हमने कवर नहीं किया, टाइम हो गया है, सो मैं कवर इसको नहीं कर पाया हूं, मैंने शायद पीडीएफ में इसमें रखा भी है, हाँ यहां पे है देखो दोस्तों पैसिफिक से और कहां कहां से पास होती है इधर लिखा हुआ है, बट कोई बात नहीं मैं इसको बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। सो ये वो जगह है जहां से 180 डिग्री पास होती है, 0 डिग्री पास होती है, ठीक है। सो अच्छे से पढ़िए दोस्तों, रिवीजन कीजिए इसका बराबर, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मेरा करंट अफेयर का कोर्स जो है वो आ रहा है दोस्तों, ज्योग्राफी का भी कोर्स आ रहा है, इंडियन ज्योग्राफी का, और इसके लिए आप सुमित 10 इस्तेमाल कर सकते हो, इस कोर्स को खरीद सकते हो 13 जनवरी से
ये स्टार्ट होने वाला है। जल्दी आइए, इस कोर्स को एनरोल कीजिए। करंट अफेयर का हर महीने कोर्स जो है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ऑन दिस नोट दोस्तों, आई होप यू एंजॉय द सेशन। लाइक करना है यार, शेयर करना है वीडियो को जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप कर सकते हो। और अनअकैडमी प्लस पर सुमित 10 का इस्तेमाल करके आपको जो है सब्सक्राइब इसको करना है। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडे क्लास। आई होप यू एंजॉय द सेशन। प्लीज़ यार लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।